अजीमत जुरअत हिम्मत का है इजहार सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलमबरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मुस्लिम तालिबात को डॉक्टर बनाने की एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स की मुहिम, पटना के अलावा रांची और दिल्ली में भी शुरू होगी रिहायशी कोचिंग। किसानों का मुतालबा, कवानीन को वापस लेने के लिए पार्लियामेंट का खसूसी सेशन बुलाए हुकूमत। रांची में पान मसाला और तंबाकू फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोरोना के खतरे के पेश नज़र कार्रवाई। तेलंगाना हैदराबाद बीजापुर शाहरा पर भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के सात अफराद हलाक। शादी से पहले दूल्हा हुआ गायब, भाई को दूल्हा बनाकर करा दी शादी, फिर सामने आया कुछ ऐसा कि उड़ गए सबके होश। उत्तर प्रदेश MLC की 11 सीटों के लिए वोट शुमारी 3 दिसंबर। बांग्लादेश अतिकुल्ला कत्ल मामले में 7 अफराद को सजाए मौत। किसानों के साथ ढोंग कर रही केजरीवाल हुकूमत, दिल्ली में सियाह जरी कवानीन नाफिस। तालाब में डूब जाने से 17 साल नौजवान की मौत, 20 घंटे बाद लाश बरामद। हुकूमत का मकसद झूठी तशहीर हो तो मिशन फेल हो ही जाएंगी, प्रियंका गांधी का बयान। कनाडा के वज़ीर आज़म ने किसान तहरीक की हिमायत की, हिंदुस्तान का गैर मुनासिब मुदाखलत। आम आबा ने दुनिया भर में लम्हात को हम आहंग कर डाला है, सदात तर्जुमान। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयफ ने 10 नवंबर आर्मेनिया की शिकस्त को अजरबैजान का योम फतह करार दे दिया। जौहरी सरगर्मियों को सूरत देने के बिल की ईरानी सदर ने मुखालिफत कर दी। काबुल सड़क पर नसब बारूदी सुरंग फट गई, रूसी सफारतकार जख्मी। इस्लामी तावन तंजीम के नए फैसलों का तुर्की की जानिब से खैर मकदम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी पहली ख़बर है बिहार से। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स ने गुज़श्ता साल पटना में रिहायशी कोचिंग का इंतज़ाम कर माशी एतबार से कमज़ोर तालिबात के लिए कामयाबी का सुनहरा मौका फराहम कराया है। पहले बैच में 15 तालिबात का दाखिला हुआ था जिसमें 12 तालिबात ने नीट का इम्तिहान पास कर मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया। कामयाब तालिबात ने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स की मुहिम की सताइश करते हुए कहा है कि पूरी दीनी माहौल में रिहायशी कोचिंग का इंतज़ाम किया गया था। पटना में 1 साल की सख्त मेहनत ने उन्हें मेडिकल के इम्तिहान में कामयाब किया। तालिबात ने यह भी कहा कि मौका न मिलने के सबब मुस्लिम लड़कियां आला तालीमी इदारों में दाखिल कराने से कासिर रह जाती हैं, लेकिन इस तरह की कोशिशों से मुस्लिम तालिबात को अपना ख्वाब पूरा करने में मदद मिल रही है। कामयाब तालिबात के एजाज़ में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स ने पटना में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया था। नाज़रीन डिप्टी कमिश्नर रांची छवि रंजन की हिदायत के मुताबिक ज़िला रांची के शहरी और देही इलाकों में आवामी तौर पर 11 ब्रांड के पान मसाला जात और तंबाकू नोशी और खुले तौर पर सिगरेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहरी इलाकों में छापामारी के लिए 13 टीमें तश्कील दी गई जिसमें जोनल ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के तौर पर लिया गया है। हर टीम के साथ एक मेडिकल ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर को शामिल किया गया है। देही इलाकों के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हिदायत की गई है कि वह अपने अपने इलाके में कार्रवाई करें। नाज़रीन हैदराबाद में आज एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई। हादसा इतना ख़तरनाक था कि मौके पर ही 7 अफराद की जान चली गई। दरअसल तेलंगाना के हैदराबाद बीजापुर शाहरा पर चयोडला मंडल की मलकापुर गेट के करीब पेश आए सड़क हादसे में 7 अफराद जान बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह उस वक्त पेश आया जब ताड़बन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 11 अफराद कर्नाटक के गर्मटकाल के लिए जा रहे थे कि चयोडला मंडल के कुंदावाडा स्टेज के करीब उनकी कार चलाने वाले ने एक और कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली बोरवेल लारी से उनकी कार की टक्कर हो गई। ये भयानक हादसा पेश आ गया जिसमें एक ही ख़ानदान के 8 अफराद की मौत हो गई।
हादसा इतना शदीद था कि 7 अफराद मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक अफराद की शनाख्त 50 साल आसिफ और 18 साल सानिया, 45 साल नाजिया बेगम और 28 साल अर्शिया, 36 साल नाजिया बानो और 6 साल अर्शिया बानो और 43 साल खालिद के तौर पर की गई है। जबकि ज़ख्मियों में खैरून बेगम और अयास खान, नज़ीर बेगम, अनवर खान शामिल हैं। शदीद ज़ख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मालूम ज़ख्मियों को चिवडला के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, यूपी के कुशीनगर ज़िले में शादी के एक दिन पहले दुल्हा घर से गायब हो गया। इतलात के मुताबिक दुल्हा शादी से एक दिन पहले दाढ़ी बनवाए जाने की बात कहकर घर से बाहर निकला था। शादी के दिन भी देर शाम तक दुल्हा वापस गई, घर नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हो गए, जिसके बाद घर वालों ने बड़े भाई को दुल्हा बनाकर 7 फेरे मुकम्मल कराए। वहीं उसी दौरान तमाम रस्में मुकम्मल नहीं हुई थी कि कंदूर टोला के पास सड़क किनारे गायब दुल्हा की लाश लटकी पाई गई। गाँव के लोगों ने उसकी पहचान कंदूर टोला 28 साल मकामी प्रेम के तौर पर की है और उसके बाद हंगामा मच गया। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए कवानीन के खिलाफ चल रहे किसानों का आंदोलन बुध को भी जारी है। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत उन कवानीन को वापस लेने के लिए पार्लियामेंट का खसूसी सेशन बुलाए। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदर दर्शन पाल ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि हुकूमत ज़रिए कवानीन को वापस लेने के लिए खसूसी पार्लिमानी इजलास तलब करे। दर्शन पाल ने कहा कि हमने हिंदुस्तानी किसान यूनियन के नरेश सिंह टिकट से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वह हमारे साथ हैं, हम इस जद्दोजहद में साथ हैं। दर्शन पाल ने मजीद कहा कि हमने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा की तरह 5 दिसंबर को मोदी हुकूमत और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ एहतजाज करने और पुतले नजर आतिश करने की अपील की है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में कानून साज असम्बली की 11 सीटों पर 1 दिसंबर को डाले गए वोटों की काउंटिंग का आगाज़ जुमेरात की सुबह 8 बजे से होगा। 11 सीटों के लिए मजमू तौर से 199 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। मंगल को हुई वोटिंग में 5 ग्रेजुएट और 6 टीचर जुमरे की सीटों के लिए हुई वोटिंग में मजमू तौर से 55.47% राय दहिंदगान ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, बांग्लादेश में ढाके की एक अदालत ने ढाका के केरानीगंज दहली ज़िले में कोंडा यूपी के सदर और आवामी लीग के साबिक कन्वीनर अतीकुल्ला चौधरी के कत्ल के मामले में 7 अफराद को सजाए मौत सुनाई है। ढाका के जस्टिस अबू जफर मोहम्मद कमरुज़मान ने बुध के रोज़े हुक्म दिया। अदालत के हुक्म के मुताबिक अतीक 10 दिसंबर 2013 को लापता हो गए थे। उसके अगले दिन 11 दिसंबर को पुलिस ने जुनूबी केरानीगंज के डोलेश्वर इलाके में अस्पताल के पास उसकी मस्कशुदा लाश बरामद की थी। नाज़रीन, दिल्ली में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने किसानों की तहरीक से मुतालिक दोगला रवैया इख्तियार कर रखा है। एक तरफ तो किसानों के साथ खड़े होने का ढोंग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो उन सियाह कवानीन को दिल्ली में नाफिस कर चुकी है। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी की इस दोहरे किरदार पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह आम आदमी पार्टी ने खुद को पूरी तरह दोगला साबित कर दिया है। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़े होने का ड्रामा कर रही है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने गुज़श्ता 23 नवंबर को एक गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए इन सियाह कवानीन को दिल्ली में नाफिस कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे इशू पर सिवाय सियासत करने के और कुछ नहीं कर रही है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के पुना ज़िले के सलेहा थाना इलाके के मरसा गांव के बाशिंदा 17 साल नौजवान के तालाब में डूब जाने का मामला सामने आया है। पुलिस जराये ने आज बताया कि 1 दिसंबर को दिन में तकरीबन 12 बजे कटन गांव के हाई स्कूल के पास वाक़ तालाब में जलविहार प्रोग्राम के दौरान काफ़ी तादाद में गाँव वाले नहाने के लिए पहुँचे थे। इसी दौरान नौजवान हनुमंत लाल चौधरी बाशिंदा गाँव पड़ोसी नहाने के लिए तालाब गया और वहीं पर उसने डूब करके हलाक हो। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के तहत ज़ुल्म सितम के मामले में योगी हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि जब हुकूमत का मकसद महज ढोंग और झूठी तस्वीर हो तो मिशन फेल हो ही जाएंगे। यूपी में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी हुकूमत का मिशन शक्ति फेल हो रहा है। खातून को जलाने वालों के खिलाफ 1 महीने बाद केस हो रहा है, जराइम बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुल्क में किसानों की तहरीक के बारे में दिए गए बयान को उसके अंदरूनी मामलात में गैर मुनासिब मुदाखलत करार दिया है और कनाडा की क़ियादत को सियासी मकासद के लिए सिफारती मुज़ाकरात का इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कल मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने हिंदुस्तान में काश्तकारों के बारे में कनाडा के रहनुमाओं के कुछ तबसरे देखे हैं जो मुनासिब मालूमात पर मबनी नहीं हैं। जमहूरी मुल्क के अंदरूनी मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे नामुनासिब और गैर ज़रूरी है।
नाज़रीन, तुर्की सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन का कहना है कि कोरोना वबा ने एक तवील अरसे के बाद पूरी दुनिया को एक ही माहौल में ढाल दिया है। कालन ने आम वबा के बाद आलमी निज़ाम और बदलने वाले मुतहरिकात के ज़ेरे उनवान कल शुरू होने वाले चौथे TRT वर्ल्ड फोरम 2020 में वबा के दौरान कसीरुल कुतबी दुनिया आलमी ताउन का मुस्तकबिल के उनवान से एक निशस्त से खिताब किया। उन्होंने वैक्सीन की ईजाद के साथ कोरोना से कबल के दौर को फिलफोर वापसी की तमन्ना का इजहार करते हुए कहा कि एक तवील मुद्दत बाद हुआ है कि दुनिया के किसी वाक़े से हर कस मुतासर हुआ हो, ठीक मानों में पूरा कुर्रा हर लम्हा एक ही दर्द से दो चार है। नाज़रीन, अमरीकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा कि महकमे इंसाफ को अमरीकी सदारती इंतखाबात में धांधली का कोई सबूत नहीं मिला। बार ने सर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के दावे को मुस्तरद कर दिया है। बार ने गुज़श्ता रोज़ कहा, अब तक हमें सतह की धांधली का कोई सबूत नहीं मिला जिससे इंतखाबी नतीजे मुतासर हो सके। नाज़रीन, सदर ईरान हसन रूहानी ने पार्लियामेंट की जानिब से कबूल करदा जौहरी सरगर्मियों को सुरात देने के बिल को सिफारती सरगर्मियों के अमल को नुकसान पहुँचाने का कहा है। दाल हुकूमत तेहरान में काबिना इजलास से खिताब करने वाले रूहानी ने यूरेनियम को 20% तक अफजूदा करने के फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हम पार्लियामेंट में कबूल करदा बिल से सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचने की सोच रखते हैं, हुकूमत इस कानून पर मुस्बत राय नहीं रखती। नाज़रीन, अफगान दाल हुकूमत काबुल में रूसी सिफारतखाने के अमले की गाड़ी सड़क पर नसब बारूदी सुरंग के फटने से तबाह हो गई। इस वाक़े में गाड़ी में सवार रूसी सिफारतकार मामूली जख्मी हो गया है। रूसी हुकूमत ने अफगान हुकाम से इस धमाके की तफ्तीश करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, तुर्की ने इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा कौंसिल इजलास में कबूल करदा करारदादों का खैर मकदम किया है। तुर्क दफ्तर खारिजा ने नाइजर के दाल हुकूमत नयामे में मुनाकिदा इजलास में कबूल करदा करारदादों से मुतालिक एक एलामिया जारी किया। एलामिया में वाजी किया गया है कि तुर्क वजीर खारजा की शराकत से 27-28 नवंबर 2020 को मुनाकिदा इजलास में कबूल करदा करारदादें मुस्लिम उम्मा के मुश्तरक मसाइल के बरखिलाफ़ इस्लामी ताउन तंजीम के रुकने ममालिक के इत्तेहाद यकजहती की तौसीक के एतबार से अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेफ ने आर्मेनिया की जानिब से 10 नवंबर को कबूल करदा शिकस्त को योम फतह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अज़रबैजान के आयवान सदर के बयान के मुताबिक सदर इल्हाम अलीयेफ ने 10 नवंबर को योम फतह करार देने के बाद उस दिन को हर साल मनाने का ऐलान किया। सदर इल्हाम अलीयेफ ने 27 सितंबर को अज़रबैजान की फ़ौज की जानिब से अपने इलाके को बचाने के लिए किए गए ऑपरेशन के आगाज़ के दिन को शहदा के लिए यादगारी दिन के तौर पर भी मनाने का ऐलान किया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रहमे मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हम ने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी।